भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे जो पांडवों के साथ कृष्ण। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल कपट और दुष्कृतियों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। कहते हैं कि इन्हीं चालों के कारण पांडवों के जीवन में उथल पुथल रही और अंतत युद्ध की नौबत आ गई। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबाल के राजप्रासाद में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था, अतः राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय था। किंवदंती अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अत इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गईं और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थीं, यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए थे। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गए। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। कौरवों को छल कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को जेल में डाल दिया था और उनको बस मुट्ठी भर अनाज ही खाने को दिया जाता था। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। आप सोच सकते हैं कि उसके मन में किसके लिए क्या होगा और वह किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन यह कितना सही है यह तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वह अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का असद यंत्र रचे, या हो सकता है कि वह चाहे भी। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और सो कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते
दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए थे। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गए। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। कौरवों को छल्व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को जेल में डाल दिया था और उनको बस मुट्ठी भर अनाज ही खाने को दिया जाता था। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। आप सोच सकते हैं कि उसके मन में किसके लिए क्या होगा और वह किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन यह कितना सही है यह तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वह अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का असद यंत्र रचे, या हो सकता है कि वह चाहे भी। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। शकुनी की जब यह चाल किसी भी कारण से सफल रही हो, उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रहने का कहती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे, वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थीं। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया। ठाकुर क्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था, उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी का इसके पुत्र सहित वध कर दिया। एक बार दुष्ट दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई। सभी को गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में जलक्रीड़ा करने और उत्सव मनाने के लिए एकत्रित किया और दुर्योधन की योजना अनुसार चुपके से भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया गया। फिर निश्चेष्ट भीम को गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया गया है। अन्य पांडवों को इसका पता भी नहीं होता है। भीम को जल में उनके नाना आर्यक उसे वासुकी नाग के पास ले जाते हैं। वासुकी अपनी विद्या से भीम को जिंदा कर देता है और उसमें सहस्रों हाथियों का बल भर देता है। शकुनी की योजना अनुसार पांचों पांडवों को वारणावत भेज दिया जाता है, जहां लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। तब पांचों पांडवों ने विदुर के एक विश्वास पात्र से सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से वे लाक्षागृह से बाहर निकलकर गंगा पार जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लाक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए हैं। लेकिन कुछ काल के बाद
विदुर जी ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया। जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनि ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। उसने चौसर अथवा जुए के खेल का आयोजन करवाया, लेकिन पांडव यह नहीं जानते थे कि शकुनि के पास से केवल उसी के इशारे पर चलते हैं। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा। तो दोस्तों, इस प्रकार तभी कहते हैं यह अनार सौ बीमार। संगत अच्छे से अच्छे मनुष्य को भी खराब कर देती है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते, जैसे द्रौपदी। यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सबक यह कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अत जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती हैं। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानीजन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़े, अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करो। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था।
समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्रीकृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हों। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो, घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करो जिससे आपकी संतानें आपको याद रखें। गीता यही संदेश देती है कि हर पर ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल निराले हैं। जिस अंबा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीति पूर्वक लेने, छीनने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है कल बीता हुआ कल, किसी और का था और कल आने वाला कल किसी और का हो जाएगा। अत तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल, यह तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखे रह जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व अर्जित कर जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है, इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देने भी जरूरी हैं। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो है तो बड़े ज्ञानी लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू या खब्बू हैं, या किसी जंगल में धुनी रमाकर बैठे हैं। उनके ज्ञान से न तो परिवार का हित हो रहा है और न समाज का। ऐसे लोगों को कहते हैं अपने मियां मिट्ठू, खुद लिखे और खुद ही बांचे। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप में लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया है। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे और फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म को उन्हें उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे ही।
दंड न देना सबसे बड़ा अपराध होता है। न्याय हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली हैं या जो न्याय पाने के लिए प्राणपण से उत्सुक हैं। जिन्होंने अपने लिए न्याय मांगा है उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी है। मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, यह प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य के साथ जरूर अन्याय किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य ने हमेशा न्याय की मांग की और अंत में आज दुनिया उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि न्याय सिर्फ शक्तिशाली लोगों के साथ ही है। यह जगत या व्यक्ति जैसा है वैसा कभी दिखाई नहीं देता, अर्थात लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है, रहस्यमयी। छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने से लाभ ही मिलता है। पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर दो बार जंगल में रहना पड़ा और अंत में उनको जब खांडव प्रस्थ मिला तो वे वहां चले गए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा को छोड़कर जाना पड़ा और अंत में वे द्वारिका में बस गए थे। कई बार लोगों को व्यापार या नौकरी के लिए दूसरे शहर या देश में जाना होता है। जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन के राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जबकि नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोल दिए जो राज जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म, बर्बरिक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। महाभारत के युद्ध में बर्बरिक ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। बर्बरिक की गिनती दुनिया श्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। विशेष बात यह है कि बर्बरिक युद्ध न लड़कर पांडवों की जीत की वजह बने। बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक को आरंभ से ही धनुष विद्या में रुचि थी। बर्बरिक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह अपने तीन बाणों से तीनों लोक जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ तीन अमोघ बाण भी दिए। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से यदि युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। बर्बरिक को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान की चिंता थी, बर्बरिक हारने वाले सेना का साथ देंगे और कौरवों की इस युद्ध में हार हो रही थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरिक से मिलने पहुंचे। बर्बरिक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरिक के तरकश में तीन ही तीर देखकर ब्राह्मण का भेष धरे कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि चुनौती दी, अगर श्रेष्ठ धनुर्धर हैं तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिराकर दिखाएं। बर्बरिक भगवान की बातों में आ गए और तीर चला दिया, जिससे कुछ क्षणों में सभी पत्ते गिराकर तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में बर्बरिक की तीरंदाजी का पता करने के लिए श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने एक पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरिक को यह बात समझ आ गई। उसने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपना पैर पत्ते पर से हटा लें ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। जब श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरिक जिस तरफ से भी लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है, इस पर उन्होंने पूछा कि बर्बरिक किसकी तरफ से युद्ध करोगे, तो बर्बरिक ने उत्तर दिया कि अपनी मां को वादा कर चुके हैं कि जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण दोबारा ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक के पास पहुंचे और दान में सिर मांग लिया। बर्बरिक महान धनुर्धर होने के साथ बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरिक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान से विनती की वे सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दें। भगवान कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरिक बोले कि वो कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया
और बर्बरीक का सिर समीप ही एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता था वहां स्थापित हो गया। यहीं से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर बर्बरीक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। किसी भी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत रखना और व्यर्थ के भय को पालते रहने से मृत्यु आसपास ही मंडराने लगती है। मौत तो सभी को आनी है, फिर चिंता किस बात की? कोई पहले मरेगा और कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण मोह है। जेलखान, दावाखाना या पागलखाना वह व्यक्ति जाता है जिसने धर्म सम्मत या संयमित जीवन नहीं जिया, बहुत महत्वाकांक्षी है या जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बना रखे हैं या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चिंता मुक्त जीवन सबसे बड़ी दौलत है। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। जो इंद्रियों के वश में है उसका पतन निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे के गुलाम हैं। ऐसे लोगों का धीरे धीरे क्षरण होता जाता है। इंद्रिय संयम आता है संकल्प से। महाभारत का हर पात्र संकल्प से बंधा हुआ है। शक्ति का संचय इंद्रियों को वश में करने से ही संभव हो पाता है। कहते हैं कि जो योद्ध या राजा युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहसपूर्वक न तो निर्णय ले पाता है और न ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी पर मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय ले लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह है कि आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया या आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो? कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब।